नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन खरीदना, उसके रजिस्ट्री करवाना या फिर जमीन बंटवारे के बाद उसके रजिस्ट्री करवाने में ढेर लफड़े होते हैं। खासकर सबसे ज्यादा माथापच्ची जमीन खरीद बिक्री के दौरान होने वाले म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज करवाने में हो जाती है, जिसके कारण कई बार चौहद्दी को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन बिहार सरकार जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक नई व्यवस्था लेकर आ रही है। पहले तो अचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ दिया गया, जिससे निबंधन में परेशानी कम हो गई। वहीं सरकार ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन की दाखिल खारिज की व्यवस्था भी कर चुकी है। लेकिन अब बिहार सरकार एक नया बदलाव करने जा रही है, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही जमीन के म्यूटेशन का भी काम हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में सरकार IIT रुड़की की टीम से सहयोग लेने वाली है। दरअसल 20 अगस्त को ही सर्वे भवन में IIT रुड़की की टीम ने इस व्यवस्था का एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कम समय और कम लोगों के सहयोग में ही म्यूटेशन होने का दावा किया गया। आपको बताते चले कि इस नई व्यवस्था में सरकार ने शेखपुरा जिले के एक गाँव में प्रयोग करने की इजाजत दी है। इस प्रक्रिया के लागू हो जाने के बाद रजिस्ट्री के लिए कोई आदमी अगर अर्जी देते हैं तो सबसे पहले सर्वेयर या फिर अमीन उस जमीन के प्लॉट पर जाएंगे, जिसके बाद वह जमीन के प्लॉट का नक्शा बनाएंगे। इस दौरान जमीन बेचने या खरीदने वाले व्यक्ति की मौजूदगी में चौहद्दी, खाता, खेसरा और रकबा के साथ वह अमीन प्लॉट का नक्शा तैयार करेंगे। उस नक्शे को रजिस्ट्री के पेपर के साथ ही जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद उसे अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी की तरफ से म्यूटेशन का प्रमाण दिया जाएगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरी है, जिसमें चौहद्दी के विवाद का सवाल नहीं उठ सकेगा। बताते चले कि अभी की व्यवस्था में म्यूटेशन में कागज पर नए खरीदार का नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन अब नए बदलाव में दस्तावेज में कागज पर नाम बदलने के साथ ही प्लॉट का नक्शा और फोटो भी अटैच रहेगा। साथ ही खाता, खेसरा और रकबा की जानकारी भी उस फोटो में रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि इस व्यवस्था में रजिस्ट्री थोड़ी देर से होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ ही म्यूटेशन भी हो जाएगा। इससे बिहार के लोग रजिस्ट्री के बाद की दाखिल खारिज की प्रक्रिया की समस्याओं से भी बच जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार ने IIT रुड़की की टीम को 15 दिनों का समय दिया है। इस दौरान वे शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड के किसी गांव में इस नई व्यवस्था को लेकर प्रयोग करेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से टीम को उस गांव का नक्शा और जमीन के मालिकाना का सारा ब्यौरा दिया जाएगा, जिसके बाद टीम प्रयोग करके बिहार सरकार को बताएगी कि बिहार के अन्य गांव में इसे कैसे लागू किया जाए। अगर यह प्रक्रिया सफल साबित होती है तो जल्द ही इसे बिहार सरकार लागू कर देगी। उसके बाद रजिस्ट्री के समय म्यूटेशन का नक्शा देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।